फिर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नौवीं खबर यह है कि अर्चना गौतम का गुस्सा फूट पड़ा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अर्चना गौतम को टिकट दिया है। इसे लेकर सियासी माहौल जो है वो काफी गर्म है। दरअसल इस सरगर्मी के पीछे कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम की एक वायरल तस्वीर है। काफी सारी उनकी तस्वीरें इस तरह की वायरल हो रही है जिसमें वो बिकनी में नजर आ रही है। इसकी वजह से अर्चना गौतम खासकर हिंदू महासभा के निशाने पर आ गई है कि ये देखिए हस्तिनापुर जो धार्मिक सीट है तो इसको टिकट क्यों दिया कांग्रेस ने। इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है, उनको सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर अर्चना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग उनके पेशे और राजनीतिक करियर को मिक्स न करें। उन्होंने कहा कि मथुरा में भी तो हेमा मालिनी को लोगों ने जिताया था। अर्चना गौतम पेशे से मॉडल हैं और 2018 में मिस बिकिनी इंडिया रह चुकी हैं। उन्होंने मिस कॉस्मोस वर्ल्ड 2018 प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अर्चना 2018 में मोस्ट टैलेंट की उपविजेता भी रही थी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अर्चना गौतम ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो बोल रहे हैं कि हस्तिनापुर जैसी पावन नगरी से मुझे टिकट दिया गया तो मथुरा जैसी पावन नगरी में हेमा मालिनी को भी जिताया था ना, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि वह हेमा मालिनी है और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। मैंने छोटे छोटे हीरो के साथ या साउथ की फिल्में की हैं इसलिए सवाल उठाया जा रहा है, या फिर मैं दलित समाज से आती हूं इसलिए। आखिरी लाइन पर भी आपको गौर करना चाहिए कि अर्चना गौतम दलित समाज से आने वाली है, संपन्न दलित परिवार से आने वाली है, मॉडलिंग के पेशे में है, मिस बिकिनी रह चुकी है, तो इसलिए भी उन पर निशाना साधा जा रहा है। और सवाल उठता है कि क्या दलितों को सिर्फ वो दीनहीन दबे कुचले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाले तस्वीरों में ही देखना चाहते हैं? क्या उनको अर्चना गौतम जैसे दलित जो कि जो आधुनिकता के जो पैमाने होते हैं उसके लिहाज से वो अपनी जिंदगी जीते हैं, क्या उनको वैसी दलित महिला एक नेता उनको पसंद नहीं है? ये अपने आप में सवाल जरूर उठता है। और उनके पेशे को उनकी अभी राजनीतिक करियर से जोड़कर जिस तरह की फूहड़ बयानबाजी हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। बहुत सारे अभिनेता नेता जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हेमा मालिनी को आप लीजिए, उनके बेटे सनी देओल को देखिए, वो भी जुड़े हुए हैं, जया प्रदा भी रही हैं। बहुत सारे लोग बॉलीवुड से सियासत में आते रहे हैं लेकिन खासकर इस तरह से महिलाओं पर अभिनेत्रियों पर कमेंट करना फूहड़ता के सिवा कुछ भी नहीं है।